हेलो फ्रेंड्स, हम आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर आ गए हैं। जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा कि टीआरसी पोर्टल पर आपकी सूची जो है वो अपलोड हो चुकी है, लेकिन अभी भी असमंजस बना हुआ है कि मैम ये फाइनल मेरिट सूची है या इसमें प्रतीक्षा वाले विद्यार्थी भी शामिल हैं, जो एस्पिरेंट्स जिन्होंने फॉर्म फिल किया था वो लोग। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो सूची आई है ये फिर से सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स की है जिनके डॉक्यूमेंट फिजिकली वेरीफाइड हुए थे और वो उसमें सक्सेसफुल हुए हैं। ठीक है, आपने डिस्ट्रिक्ट चॉइस फिलिंग की थी, आपको भी पता है कि उन्हीं का लॉगिन करने पर डिस्ट्रिक्ट चॉइस फिलिंग का ऑप्शन खुल रहा था, जिनके सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाइड हो गए हैं। जिनके सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट वेरीफाइड नहीं हुए हैं उनका ऑप्शन खुल ही नहीं रहा था और उनके में लिखकर आ रहा था कि आपके डॉक्यूमेंट जो है वो अनसक्सेसफुल है, इसलिए आपको मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज उन्होंने 1 तारीख को आपको चॉइस फिलिंग के ऑप्शन स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन आज उन्होंने लिस्ट डाली है। आज उन्होंने जो लिस्ट डाली है उसमें उन्होंने उन सारे कैंडिडेट्स को शामिल किया है जो अपने फिजिकल वेरीफाइड के दौरान सक्सेसफुल पाए गए, यानी उनका क्लियरली फिजिकल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स का हो गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस सूची का मतलब ये है कि इसमें वो बच्चे भी शामिल हैं जिनको सीट्स मिलेंगी और कुछ बच्चे वेटिंग के भी शामिल हैं, क्योंकि उनका भी वेटिंग वाले बच्चों ने भी तो अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाइड कराया था ना, तो उनका भी अगर क्लियर हो गया है तो वो बच्चे भी शामिल है। तो आप कंफ्यूज ना हो, बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि मैम अगर इस सूची में नाम है तो क्या उन बच्चों को मान लिया जाएगा कि उन्हें फाइनल लिमिट की मिलेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें वेटिंग वाले भी शामिल है, बार बार मैं आपको बता रही हूँ, और वो भी शामिल है जिनके कट ऑफ के अंडर नंबर आ सकता है। ठीक है, तो ये जो लिस्ट मैंने ओपन की हुई है अपने स्क्रीन पर, ये वो लिस्ट है जो कि टीआरसी पोर्टल पर अपडेट हुई है, इस टाइम आज ही अपडेट हुई है। आप देख सकते हैं मैं फिलहाल जो ये लिस्ट लेकर आई हूँ नॉन जीएफ मेल की लिस्ट लेकर आई हूँ। ठीक है, नॉन जीएफ मेल यूआर की लिस्ट लेकर आई हूँ मैं ये। तो आप देखिए ये वो लिस्ट है जो कि अपडेट हुई है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ऐसे कितने कैंडिडेट्स हैं जिनका डॉक्यूमेंट जो है वो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देखिए कि यहां से ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये वाली लिस्ट तो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग भी देख सकते हैं। तो आप देखिए कि कितने सारे बच्चे जो हैं जिनका डॉक्यूमेंट जो है क्लियरली वेरीफाइड हो गया है। हम जनरल की बात कर रहे हैं तो जनरल का मेल का देख लेते हैं कि कहाँ तक जनरल मेल की जो लिस्ट है वो आपकी आई है। ठीक है, ये फीमेल्स आ गई है यहाँ पर, ये रहे मेल। तो आपके जनरल मेल जो है वो जो सेलेक्ट हुई है आप देखिए यहां तक, यानी कि 110.19 तक मनीष कुमार तक जो है आपकी जनरल मेल की लिस्ट जो है आई है। ठीक है, 110.19 तक, क्योंकि ये यू आर मेल नो है तो जाहिर सी बात है, और ये इनका देख लीजिए मनीष कुमार तक, ये यू आर मेल नील ओपन कैटेगरी के हैं, नो इसलिए लिखा क्योंकि ये अदर स्टेट के हैं। तो यहाँ तक आपकी जो मेल है उनको फिलहाल इस सूची में दिया गया है। तो आपकी एक तरीके से देखा जाए कि मनीष कुमार तक, यानी कि 110.19 तक आपकी मेल कैंडिडेट्स को लिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपकी 110.17 से आपकी फीमेल जो है वो स्टार्ट हो गई है। ठीक है, उसके नीचे भी यूआर की, जिनके आगे फीमेल के आगे नो लिखा हुआ है वो आपको पता है कि वो जो है, ये एक्चुअली ये लिस्ट जो है वो कंबाइंड आई है, इसमें आपकी फीमेल भी शामिल है, ये कंबाइंड लिस्ट है। हम ये नहीं कह सकते कि नीचे मेल नहीं होंगे, हो सकता है होम नीचे मेल वैसे नहीं होंगे क्योंकि कट ऑफ उतना नहीं गया होगा। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया वहीं तक होगा, 110.19 तक। तो देखिए उसमें अब आप ऊपर का देखिए, तो ऊपर जो है इसमें ऐसी भी फीमेल शामिल हैं जिनके डोमिसाइल यस हैं। ठीक है, यानी कि ये लिस्ट जो है वो कंबाइंड दी गई है, मेल की भी और फीमेल की भी, इनको रैंक्स के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया गया है। अब इससे कंफ्यूजन ये बनी हुई है कि मान ले कि अगर ऊपर कैटेगरी में कोई ऐसी फीमेल है जिसका डोमिसाइल एमपी का है, तो जाहिर सी बात है वो किसकी सीट कवर करेगी, फीमेल की ना कि मेल की। ठीक है, जिनका डोमिसाइल यस है वो करेंगी सिर्फ, अगर वो अदर स्टेट की है उनका डोमिसाइल एमपी का नहीं है
तो वो आपकी मेल की ही सीट कवर करेंगे। ये मैंने प्रीवियस कई वीडियो में अच्छे से क्लियर कर दिया है कि एचवी सीट का डिवीजन कैसे होता है। अगर एक बार और बता दूं, अगर कोई मेल या फीमेल अदर स्टेट की है तो वो नॉन जीएफ यूआर मेल की ही सीट कवर करेंगी, चाहे भले ही वो फीमेल हो लेकिन वो फीमेल की सीट नहीं कवर करेंगी। एमपी में फीमेल की सीट केवल वही कवर करेंगी जो एमपी की ही फीमेल है, यानी उनका डोमिसाइल जो है एमपी का है। ये लिस्ट जो उन्होंने डाली है इसमें मेल और फीमेल उन्होंने रैंक के अकॉर्डिंग बनाई हुई, यानी पूरी लिस्ट जो है वो मिक्स्ड है, ठीक है, ये उनकी लिस्ट है। अब बात कर लेते हैं हम अपनी लिस्ट की जो हमने प्रिपेयर की है, जिससे आपको सटीक अनुमान लगेगा कि आपकी रैंक वास्तविक में जो इसमें दे रखी है उसके अलावा उसमें कितनी है। क्योंकि देखिए जो मेल्स का है उनके आगे से जो फीमेल एमपी के हैं वो हट जाएंगी, ठीक है। तो हमने जो लिस्ट प्रिपेयर की है वो उसी हिसाब से की है। तो हमारी लिस्ट को आप कट ऑफ लिस्ट भी कह सकते हैं, फाइनल लिस्ट भी कह सकते हैं। आपकी रैंक वास्तविक में फाइनल में कितनी आएगी, चाहे आप उस लिस्ट को भी कह सकते हैं, आप चाहे जो भी नाम दें हमारी लिस्ट को, लेकिन जो हमने प्रिपेयर किया उसी सीक्वेंस में उसी रैंक के अकॉर्डिंग आपके नाम आएंगे। और क्यों आएंगे ये बात मैं आपको कितनी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हम अपनी जो लिस्ट है उसको किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम उस लिस्ट को आपको दिखाएंगे पहली बार। दूसरे ये देखिए, हम अपनी जितनी भी लिस्ट प्रिपेयर करते हैं, हमने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं, हम बहुत मेहनत से बनाते हैं, क्योंकि हो सकता है सभी ने यही लिस्ट डाल दी जो अपडेट की हो, लेकिन हमने इसको पूरा मर्ज कर ओबीसी एससी एसटी फीमेल सबको मर्ज कर अपनी लिस्ट प्रिपेयर किया, तो उसमें काफी मेहनत लगता है, मुझे इसको बनाने में काफी टाइम लगा। तो प्लीज आप हमारी वीडियो को अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिए, क्योंकि मैंने देखा व्यूज बहुत आते हैं, डेली व्यूज हमारी वीडियो पर बहुत आते हैं, लेकिन आप लाइक नहीं करते, तो प्लीज लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अभी भी इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको ये तक नहीं पता कि किस कैटेगरी में कितनी सीट है, इनफैक्ट उनको अपनी कैटेगरी की सीट्स नहीं पता है, ठीक है। तो बहुत सारे डाउट बने हुए हैं और ऐसे कई डाउट्स की मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई है। अब बात कर लेते हैं उस लिस्ट की जो मैंने प्रिपेयर की है, ठीक है। तो देखिए ये है वो लिस्ट, ठीक है। तो यहां हम देख रहे थे, यहां से हमारे यहां से आप देख लीजिए 110.19 से जो है वहां पर भी मनीष कुमार जी थे, यहां पर भी हैं। अब मैंने जो बनाई है उसमें आपको हर एक कैटेगरी के जो मेरे को अरेंज करने थे वो ऑलरेडी अरेंज होंगे, ठीक है। एक मिनट में आपको दिखाती हूँ, ठीक है, ये है फ्रेंड्स। तो अब आपकी जो फाइनल लिस्ट आएगी जिसमें आपकी रैंक दे रखी है, वास्तविक रैंक आपकी ये होगी। क्यों होगी वास्तविक? क्योंकि हमने ओबीसी के वो सारे बच्चे इसमें इंक्लूड कर लिए हैं जिनके मार्क्स आपसे हाई हैं। पहली बार हमने एससी के भी वो बच्चे इंक्लूड कर लिए हैं जिनके मार्क्स आपसे हाई हैं, एसटी के भी इंक्लूडेड हैं और ईडब्ल्यूएस के भी इंक्लूडेड हैं, ठीक है। अदर चार कैटेगरीज के सारे बच्चे हमने इंक्लूड कर लिए हैं, ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के, जिनके मार्क्स जो मेल की कट ऑफ जो उन्होंने दी है उससे हाई है, पहली बार। दूसरी ये कि हमने उन गर्ल्स को मेल्स की सीट्स में से हटा दिया है जो कि डोमिसाइल रखती हैं एमपी का, क्योंकि वो आपकी सीट कवर नहीं करेंगी। आपकी सीट कौन कवर करेगा? केवल और केवल मेल जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी में है और जिनके मार्क्स आए हैं। दूसरे आपके अदर स्टेट के कैंडिडेट्स, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो आपकी सीट्स जो है वो कवर करेंगी, ठीक है। तो इस वाली जो लिस्ट में मैं इसको धीरे धीरे स्क्रॉल करूंगी, आप अच्छे से देख सकते हैं कि जो अभी लिस्ट आई है, जो अपडेट आई है आपके एमपी पोर्टल पर, उसमें आपका जो दे रखा है सीरियल नंबर, या कह लीजिए आपके जो अब जिस क्रम में सीरियल नंबर आए उसमें और इसमें कितना अंतर है, क्या आपका वो सेम बैठ रहा है या फिर आपका शिफ्ट होकर ऊपर आ गया है, ठीक है। हमको एक हिंट एक एग्जाम्पल ले लेंगे, उससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं इनकी, जिनके 117.49 है, इनका नाम है जितेंद्र कुमार, ठीक है। तो जितेंद्र कुमार का यहाँ सीरियल नंबर क्या आ रहा है? 12, यानी कि यहाँ इनकी जो रैंक बन रही है क्रम के हिसाब से, रैंक तो खैर कंसोलिडेटेड रैंक तो 844 है, लेकिन जो सीरियल नंबर के हिसाब से सीट के हिसाब से जो बन रही है जितेंद्र कुमार यूआर मेल की, वो बन रही है 12, ठीक है। ये थी ये। अब हम बात कर लेते हैं जो ये हमने प्रिपेयर किया उसमें इनकी जो है 12वें नंबर पे ये आ रहे हैं। अब जो ऑलरेडी आई है उसको एक बार देख लेते हैं कि उसमें जितेंद्र कुमार की जो रैंक है वो कितनी आ रही थी, ठीक है। तो नंबर कितने देख लेते हैं यहाँ पर, जितेंद्र कुमार की कितनी आ रही थी,
तो देखिए जितेंद्र कुमार, यहाँ पर जितेंद्र कुमार की कितनी थी 7, यहाँ पर कितनी थी 7, लेकिन यहाँ यानी कि इस वाली लिस्ट में जो उन्होंने अपडेट किया उसमें इनकी कम थी, यानी 7वें नंबर पर लाइक कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि इनके ऊपर ओबीसी के कैंडिडेट, एससी, ईडब्ल्यू, किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स नहीं लाए गए हैं। ठीक है, ये जो तो फीमेल थी, यूआर, यूआर की फीमेल, ये ऑलरेडी वहां हटा दी है हमने फीमेल, जितनी भी है। देखिए आप जैसे कि 4 और 5 सीरियल नंबर को देखें तो यहाँ पर फीमेल्स हैं 2, तो ये मेल की सीट कवर नहीं करेंगी, ये फीमेल की ही सीट कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके आगे यस लिखा हुआ, और ये एमपी की फीमेल, यानी ये तीनों की तीनों फीमेल्स जो है ये सारी किसकी सीट कवर करेंगी? सिर्फ फीमेल्स की। ठीक है, तो जितेंद्र कुमार हमने देखा इनके यहाँ पर रैंक थी 7, या फिर आप 7 क्रम पे इनका नाम था। अब हम अपनी वाली लिस्ट में देखें जिसमें हमने सब कुछ ऑलरेडी लगाया, तो देखिए जितेंद्र कुमार की जो रैंक है अब वो 7 होकर कितनी हो गई है? 12। क्योंकि आप ऑब्जर्व करें यहाँ पर वो फीमेल्स गायब हो चुकी हैं, क्योंकि वो एमपी की थी, यस था उनका डोमिसाइल, वो हमने हटा दी, और यहाँ पर हमने जितने भी ओबीसी कैंडिडेट्स और एक एससी कैंडिडेट, यानी कि जितेंद्र कुमार से जिनके भी मार्क्स हाई थे हमने उनको ऊपर लगा दिया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है सटीक विश्लेषण, क्योंकि इसमें अदर कैटेगरीज के लोग भी एंटर होंगे, और दूसरा जो एमपी की फीमेल है वो इसमें से निकलेंगी, तो ये बनेगी आपकी, इसके हिसाब से आपका क्रम बनेगा, और इसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि किस कैटेगरी के पास कितनी सीट्स हैं पीडब्ल्यूडी की माइनस कर, और उन सीट्स के अंदर में हमारी जो क्रम अब दिया गया है, जो इस लिस्ट में जो हमने प्रिपेयर किया उसमें जो दिया गया है कि आ रहा है या नहीं। हमने ओबीसी, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी को यूआर की लिस्ट में क्यों शामिल किया है, हम कई दफा बता चुके हैं, क्योंकि किसी भी भर्ती में या फर्स्ट काउंसिलिंग में अभी वर्ग 3 के में वर्टिकल रिजर्वेशन लागू हुआ था, तो जाहिर सी बात है इसमें भी लागू होगा। अगर ओबीसी के कैंडिडेट्स के या किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के मार्क्स जनरल के कैंडिडेट से हाई है तो वो जनरल की ओपन सीट्स में ही अपनी सीट कवर कर लेते हैं। वर्टिकल रिजर्वेशन का फिनोमेना फीमेल में भी अप्लाइड होता है, ठीक है, लेकिन फिलहाल हमने ये जो लिस्ट प्रिपेयर की है ये नॉन जीएफ मेल यूआर की प्रिपेयर की है। तो समझ में आया कि आपको रैंक कितनी से तोड़ी, आपका जो क्रमांक वहां आपका 7वें नंबर पर था, अब यहाँ कौन से नंबर पर आ गया है? 12वें नंबर पर। ठीक है, तो यहाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ सबका बढ़ेगा, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिनके घटे होंगे। ठीक है, और मैं किसी एक और का एग्जांपल लेकर आपको और समझा देती हूँ। देखिए मैंने इस फीमेल को इंक्लूड क्यों किया हुआ है इस लिस्ट में, क्योंकि इनके आगे नो लिखा हुआ, यानी कि इनका डोमिसाइल जो है वो एमपी का नहीं है, ये अदर स्टेट की है। तो अदर स्टेट का कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल, वो किसमें काउंट होगा? नॉन जीएफ यूआर मेल की सीट लेगा और किसी की सीट नहीं लेगा। तो हम और कोई एग्जाम्पल लेते हैं, मैं आराम से स्क्रॉल कर रही हूँ इसको ताकि आप अपना देख सकें आपका कितने पर पड़ा हुआ है। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है। और फ्रेंड्स मैंने आज सुनी थी, तब तक आप अपनी लिस्ट देखें, आज मैंने एक क्वेरी और देखी कि बहुत सारे कैंडिडेट्स का जो जब उन्होंने चॉइस लिंक की तो उनके पास मैसेज नहीं आ रहा है फाइनल, जब उनको रिसिप्ट तो मिल रही है लेकिन उनके पास जो मोबाइल पर या ईमेल आईडी पर मैसेज आना चाहिए वो नहीं आ रहा। तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, कभी कभार क्या होता है मैसेज थोड़ा डिले हो जाता है। अगर आपके फोन पर मैसेज नहीं आता तो आप अपनी ईमेल आईडी को भी एक बार चेक कर लें, क्या ईमेल आईडी पर मैसेज आ रहा है या ईमेल आईडी पर भी मैसेज नहीं आ रहा है। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ ताकि आप देख सकते हैं आपकी रैंक जो है वो कितनी सिफ्ट हुई है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी सब कुछ अरेंज कर दिया है, इसमें मैंने जो कैटेगरीज के वर्टिकल रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग ऊपर आने थे वो लगा दिए हैं, जिन फीमेल्स को मुझे निकालना था एमपी की, जिनके पास डोमिसाइल यस था उनको निकाल दिया है। सारी सीक्वेंस जो बनी है इससे ज्यादा सटीक सीक्वेंस नहीं बन सकती है। तो फ्रेंड्स प्लीज आप हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं आराम से स्क्रॉल कर रही हूँ, आप अपनी रैंक देख लीजिए कि आपकी रैंक घट रही है इतने सब कुछ चेंजमेंट के बाद या बढ़ रही है। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम ये भी आ रही थी कि पहले 28 जिले खुल रहे थे कल तक, आज बहुत सारे बच्चों के 26 जिले खुल रहे थे, तो एक्चुअली आप उसे एडिट कर सकते हैं या फिर आप दोबारा ओपन करेंगे तो दोबारा वो सही हो गया है, आप टेंशन ना लें, अब 28 ही खुल रहे हैं जो 2 TWD के तक फिर से इंक्लूड हो गए। अगर जिन बच्चों को ऐसा था कि मैम हमारे 26 ही खुल रहे हैं, पिछली जो मेरी वीडियो थी उसमें कुछ कमेंट्स था कि मैम हमारे 26 जिले खुल रहे हैं, ऐसा नहीं है, आप दोबारा खुल कर देखेंगे, कल खोल लें आज खोल लें, आपके पास कल का भी टाइम है, तो आपके दोबारा से 28 जिले जो है 28 ही खुल रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ, आप आराम से रोक कर वीडियो को पॉज कर अपनी जो आपकी वीडियो की स्पीड है उसको स्लो कर आप आराम से अपना नंबर देख सकते हैं कि आपकी रैंक में इजाफा हुआ है या आपकी रैंक घटी है। ठीक है, यानी आपकी रैंक बढ़ी है या पहले से घटी है इसमें। ठीक है, मैंने सारी फीमेल्स निकाल दी हैं जिनका डोमिसाइल एमपी का था, क्योंकि वो सिर्फ फीमेल्स की सीट कवर करेंगे, आपकी सीट कवर नहीं करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं किसी और के एग्जांपल लेकर भी आपको समझा दूंगी ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। अब देखिए इनके देख लेते हैं, हम सचिन यादव के देख लेते हैं, ये हमारी लिस्ट में इनकी रैंक बैठ रही है 353। ठीक है, कौन सी बैठ रही है, मैं इसकी बता रही हूँ, जहाँ पर मेरा कर्सर है, हमारी लिस्ट में सचिन यादव की रैंक जो बैठ रही है वो बैठ रही है 353।
जो हमने प्रिपेयर किए इनके नंबर है 112.94, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि एक्चुअली जो आज जो लिस्ट आई उसमें इनकी कितनी बैठ रही है। 112.94 थे इनके मार्क्स, तो हम सीधे 112.94 पर चलते हैं। थोड़ा ऊपर है, यहाँ देखिए सचिन जी यही थे, हाँ यही थे। तो देखिए इनकी यहाँ कितनी बैठ रही है, 339। यहाँ जो मेन में आई है इनकी जो इन्होंने दी है उसमें कितनी है, 339 है। क्योंकि इनके आगे जो अभी ना ओबीसी शिफ्ट हुएंगे ना एससी एसटी कुछ भी नहीं लगा कर दिए इस लिस्ट में, अलग अलग दी है इसलिए। तो सचिन यादव जी की यहाँ पर जो रैंक बैठ रही है, यानी सीरियल नंबर, रैंक तो कंसोलिडेटेड तो वही रहेगी, सीरियल नंबर यहाँ पर आ रहा है जिस क्रम में आ रहा है वो है 339। अभी हमने जो अपनी लिस्ट दिखाई थी उनमें इनका कितना था, 339। तो इधर देखिए इनकी कितनी है, 353। तो यानी इनकी रैंक जो है बढ़ गई है। क्यों बढ़ी होगी फ्रेंड्स, क्योंकि इनके बीच में अदर जो कैटेगरीज हैं यानी कि एस सी एस टी ओ बी सी ई डब्ल्यू एस उनके मेल्स जो है वो शामिल हो गए हैं। तो देखिए रैंक जो है फिर बढ़ेगी, ठीक है। तो रैंक बढ़ेगी ही, तो आप लोग ना घबराएं, ऐसा नहीं सबकी रैंक बढ़ी ही होगी, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनकी रैंक घटी होगी, ठीक है। तो मैंने आपको दो एग्जांपल ऑलरेडी दिखा दिए हैं, आगे मैं आपको और कोई एग्जांपल होगा तो सीधी दिखा दूंगी। और आप देखिए मैं बहुत धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ, अगर आपको फिर भी दिक्कत है आप पॉज करके आराम से देख सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझसे कहते हैं मैम टेलीग्राम का लिंक हमें बता दीजिए, हम उस पर जाकर देख लेंगे। तो ऐसा कोई मैंने अभी बनाया नहीं है, टेलीग्राम पे मेरा कोई अकाउंट नहीं है। तो आप फिलहाल इसी वीडियो पर पॉज कर आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। आराम से देखिए कि कितना रैंक जो है आपकी हाई हुई है, कम हुई है या ज्यादा हुई है, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए ये आपकी 112.34 तक आ चुके हैं। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, आपको भी पता है हम लोग ने डायरेक्टली उठाकर लिस्ट नहीं डाल दी है गूगल से, हमने इसको दोबारा बनाया है। हमने पहले भी प्रीवियस वीडियो में भी बनाया था लेकिन फिर भी हमने दोबारा कोशिश की और आपके लिए लेकर आए ताकि आपको सटीक अनुमान लग सके यही है आपकी वो फाइनल लिस्ट। क्योंकि इसमें से अब एक भी कैंडिडेट बाहर नहीं होगा। अब वो बात अलग है कि किसी को बिल्कुल ज्वाइनिंग चाहिए ही नहीं, वो कैंडिडेट लास्ट में ज्वाइनिंग के टाइम निकल जाए, लेकिन अब कुछ नहीं होगा क्योंकि फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। अब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है जब आपका नियुक्ति आदेश आ जाता है वो तब ब्लॉक स्तर पर होता है, जिस भी ब्लॉक में आपकी पोस्टिंग आई होती है। इसके बाद किसी भी कैंडिडेट के बाहर होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देख लीजिए कि आपकी रैंक जो है वो ऊपर हुई है उस जो आज डाली है उस लिस्ट के अकॉर्डिंग या नीचे हुई है, आप आराम से देखिए। और भी एग्जाम्पल मैं आपको दे दूंगी, आप लोग मैं तो बहुत धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ ताकि आप पॉज कर और खुद भी सारा देख सकें। आवाज में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ लोग कहते हैं मैम आप वीडियो अच्छी बनाती हैं बट आपकी आवाज जो है वो क्लियर नहीं आ पाती है थोड़ी सी। तो एक्चुअली मेरे पास अभी पॉकेट माइक नहीं है, तो मेरे पास जो भी अवेलेबल है ब्लूटूथ के अकॉर्डिंग ईयरबड तो मैं उसी से बनाती हूँ, तो हो सकता है, लेकिन आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट करें। और अगर आप उसकी वॉल्यूम को हाई करके सुनेंगे तो आपको सुनाई देगा। अगर क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम आती है वीडियो क्वालिटी पिक्चर क्वालिटी में तो आप अपनी उसको इनहेंस कर सकते हैं, आपके पास ये सेटिंग होती है आपके यूट्यूब पर और आप देख सकते हैं, ठीक है। क्वालिटी हाई करने पर, हायर क्वालिटी करने पर एकदम वीडियो जो है वो क्लियर दिखाई देगी आपको, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि उस वाली जो लिस्ट में जो कि आज पोर्टल पर डली है और जो हमने प्रिपेयर किया, हमने कोई भी गलत लिस्ट प्रिपेयर नहीं किया है। कोई और भी अगर यूट्यूब चैनल वाला इस लिस्ट को प्रिपेयर करेगा तो वो इसी अकॉर्डिंग करेगा, हमने इसे बहुत मेहनत से प्रिपेयर किया है, ठीक है। मैं आपको एक और कोई एग्जांपल लेकर समझा दूंगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितना रैंक में, और मैं आपको कोई एग्जांपल लेकर समझा देती हूँ। लाइक इनका एग्जांपल ले लेते हैं हम, चंदन पांडे जी का, ठीक है। तो देखिए चंदन पांडे जी के नंबर क्या है, 111.56 है, 56 है, इनका 713 पर बैठ रहा है। किस पर बैठ रहा है, 713 पर, ठीक है। ये मेरी लिस्ट में बैठ रहा है 713 पर। अब हम उस लिस्ट में देख लेते हैं, ठीक है। तो 713 पर बैठ रहा था उनका,
कितने नंबर थे उनके मुझे याद नहीं, एक बार और देख लेती हूँ मैं कितने थे। चंदन पांडे जी के, इनके थे 111.56, 111.56, तो 111.56। ये पोर्टल वाली लिस्ट है जिस पर अभी मैं चेक कर रही हूँ। 5-6 देखिए, तो चंदन पांडे जी के यहाँ पर कितनी है, 712 है। ठीक है, 712 है जो ये लिस्ट आई है, इसमें कौन कितनी रैंक है इनकी, 712 है। और जो हमने प्रिपेयर किया है उसमें इनकी कितनी है, इसमें 713। तो देखिए सिर्फ इनकी एक ही शिफ्ट हुई है, पीछे ज्यादा अंतर नहीं आया है। इनमें कोई बच्चा होगा जो अदर कैटेगरी का होगा जो कि इनके ऊपर आ गया है। ठीक है, तो ये जो लिस्ट है ऐसे ही बनाई जाएगी क्योंकि फर्स्ट काउंसलिंग में ऐसे ही बनाई गई थी, तो अलग नहीं होगा। अब देखिए इन कैंडिडेट का देख लेते हैं, अभी इनका यहाँ पर कितना है, हमने जो लिस्ट प्रिपेयर किया 754 है, इनके मार्क्स है 11.38। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि उस वाली लिस्ट में कितने हैं इनके। ठीक है, तो 11.38 थे इनके मार्क्स। यहाँ पर होगा कोई नाम इनका, 38 है ना, देखिए तो यहाँ पर है इनका नाम, तो यहाँ पर इनका कितना था, 760 था। ठीक है, तो यहाँ पर इनका 760 था जो कि इनका मेन लिस्ट में है, और जो हमने प्रिपेयर किया है उनमें इनका आ रहा था शायद 754। तो कितना आ रहा था देखिए, 754। किसी का भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए, तो देखिए इनकी कम हुई है। दीपा जी का भी ले लेते हैं कि और एक और एग्जाम्पल, दीपा जी के भी इतनी नंबर है 11.38, यहाँ पर इनकी रैंक है 756। हमने जो लिस्ट बनाई है इसमें कितनी है, 756। ठीक है, अब हम मेन लिस्ट में देख लेते हैं इनको, उनकी उसमें कितनी थी, दीपा जी का, दीपा जी का देखिए तो कितनी थी, 765। और देखिए सिर्फ बिल्कुल रिवर्स हो गया है, वहां पर 765 लिखा हुआ जो मेन लिस्ट आज आई है, और वहां पर जो हमने बनाया उसमें कौन सा हो गया, 756, और यहाँ पर कितनी, 765, रिवर्स हो गया, 10 बच्चों का अंतर आ गया। देखिए तो अंतर तो आया है ना, तो ऐसा नहीं है कि सबकी रैंक बढ़ रही है, बहुत सारे जो बच्चे हैं उनकी रैंक जो है वो घट रही है। ठीक है, तो ये थी जो हमने प्रिपेयर की है, मैं आराम से इसे धीरे धीरे करके जो स्क्रॉल कर रही हूँ आप देख सकते हैं। फिर भी आपको नहीं मिल पाता अपना नंबर, कैसे आप खुद देखने की कोशिश करें, क्योंकि मैं बहुत स्लो स्पीड में इसको स्क्रॉल कर रही हूँ, लेकिन फिर भी आपको नहीं पता चल पा रहा है तो आप लिख सकते हैं कमेंट्स में कि मैम मेरा नाम ये है और मेरे को नहीं पता चल पा रहा, तो प्लीज आप बता दें कि मेरी रैंक जो है पहले इतनी थी। आप ये लिखें कमेंट में कि मैम पहले मेरी रैंक इतनी थी, ये रोल नंबर है मेरा, तो आप प्लीज बता दें अब मेरी रैंक जो है वो इस लिस्ट के अकॉर्डिंग जो आपने प्रिपेयर की है वो कितनी आ गई है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको दिखाई नहीं देता वैसे आप खुद कोशिश करेंगे आपको आराम से दिखाई दे जाएगा। ये सिर्फ मैंने मेल की प्रिपेयर करने की कोशिश की है क्योंकि बहुत टाइम लगा मेरे को इसे भी बनाने में, क्योंकि मैंने मेन लिस्ट को लिया, फिर सारी लिस्ट को लिया मैंने अदर कैटेगरीज को, फिर एक एक कर उनको मर्ज किया, पहले मैंने ओबीसी को इसमें मर्ज किया, फिर अदर कैटेगरी को एस सी एस टी डब्ल्यू एस को मर्ज किया, तो काफी टाइम लगता है इसको बनाने में। ठीक है, तो अभी मैंने सिर्फ मेल की ही प्रिपेयर की है, फीमेल की मैंने प्रिपेयर नहीं की, नॉन जीएफ की। अगर आपको ऐसी कोई लिस्ट फीमेल की चाहिए, अगर नॉन जीएफ फीमेल की चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदर कैटेगरीज की चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर ये बहुत इजी भी है एक तरीके से, निकालना इजी है लेकिन इसको बनाना थोड़ा टफ है, तो देखिए मेरे लिए बहुत टफ काम पड़ेगा, लेकिन अगर आप निकालना चाहें कि आपको ये कि नहीं मुझे आज ही जानना है कि ओबीसी के अकॉर्डिंग मेरी रैंक कितनी है, तो आप खुद भी इसको निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नॉन मेल का यूआर का थोड़ा टफ ज्यादा होता है, तो इसीलिए मैंने मेल का प्रिपेयर किया, क्योंकि इनमें जो है अदर कैटेगरीज के स्टूडेंट जो है वो इन हो जाते हैं, लेकिन बाकी जो भी कैटेगरीज है उनमें किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट जो है वो नहीं आते हैं, तो इनका टफ था इसलिए मैंने इनका बना दिया, बाकी ओबीसी और किसी भी अदर कैटेगरीज का है तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, उनके लिए तो और अच्छी बात है क्योंकि उनके जो हाई रैंक वाले जो इसमें शिफ्ट हो गए हैं वो सारे निकल जाएंगे, तो उनकी रैंक तो अप होगी। ज्यादातर जो जितनी भी ओबीसी एसटी एससी जितनी भी कैटेगरीज हैं उनको फायदा ही होगा, उनकी रैंक जो है अप की साइड शिफ्ट होगी, नीचे की साइड शिफ्ट नहीं होगी। जनरल में ही ये लॉस या कुछ भी कह लीजिए जो भी सिस्टम रिजर्वेशन, जनरल को ये झेलना है इस टाइम, हर भर्ती में थोड़ा सा होता है। देखिए रिजर्वेशन अपनी अपनी जगह पूरा सही है, मैं किसी को भी पॉइंट आउट नहीं करूंगी, सबको अपने अपने अकॉर्डिंग दिया गया है, जो सिस्टम है सही है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि अगर आप ओबीसी का देखना चाहें तो आपके जो ऊपर की जितने भी हाई मार्क्स कैंडिडेट है उनको आप हटा दें जो जनरल में शिफ्ट हो गए हैं, और आपकी जो रैंक जो है ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लीजिए आराम से, मैंने आपको कई 4-5 एग्जाम्पल से भी समझा दिया कितना अंतर आ रहा है रैंक में। ये सारे के सारे नॉन जीएफ मेल हैं,
मैं आराम से वीडियो को स्क्रॉल कर रही हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन बात यह है कि आपको पता चलना चाहिए। वीडियो लंबी हो छोटी हो मायने नहीं रखती है, लेकिन अगर आपको अपना क्लियर हो जाता है मायने वो रखता है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि हाँ हमारी रैंक वहाँ कितनी थी और यहाँ कितनी सिटी। क्योंकि कुछ लोग जो वेटिंग वाले में हैं वो इन भी हो सकते हैं, बहुत सारे जो 150 अराउंड जो बच्चे हैं उन्होंने अपने डॉक्यूमेंटेशन नहीं करवाए हैं तो वो आ सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये यहाँ तक 110.17 तक योगेंद्र प्रताप सिंह मेल है, यूआर है, यस है, हमने यहाँ तक इनको ले लिया। उसके बाद तो ओबीसी की लिस्ट है, ठीक है, तो यहाँ तक हमने ले लिया है। तो अब आप देख सकते हैं, हम देख लेते हैं इस लिस्ट में योगेंद्र प्रताप सिंह का कितना है, 1122 है, इनके मार्क्स है 110.17, ठीक है, 1122 और 110.17 योगेंद्र प्रताप सिंह यूआर के हैं, मेल के हैं, ठीक है। उस लिस्ट में देख लेते हैं इनका कितना है। एक सौ दस पॉइंट सत्रह थे उनके, योगेंद्र प्रताप सिंह के। तो ये वो लिस्ट है जो कि आज पोर्टल पर अपडेट हुई है, जिसको मैं अभी दिखा रही हूँ आपको। देखिए 110.17 की लिस्ट आ गई है, 110.17। तो देखिए ये रहे योगेंद्र प्रताप सिंह यूआर, तो इनकी यहाँ कितनी थी, 1260 थी, ठीक है। अब देखिए कितना सिर्फ, तो आप खुद देखिए यहाँ कितनी है, 1260 कितनी है फ्रेंड यहाँ पर इनकी, योगेंद्र प्रताप सिंह जो कि हमारे यूआर मेल नॉन जीएस में आते हैं, उनके मार्क्स थे 110.17। यहाँ पर इनकी जो दे रखी है, क्रम दे रखा है वो कितना है, 1260, आप खुद देखना, ठीक है, आपने अच्छे से देख लिया ऑब्जर्व। ये वो लिस्ट है जो कि पोर्टल पर डली हुई है, ये वो लिस्ट है। अब मैं उसको खोलती हूँ जो अभी मैंने आपको दिखाई थी। तो इसमें देखिए योगेंद्र प्रताप सिंह को यहाँ पर देखिए कितना शिफ्ट हो गया, 1122 हो गया, 1122 हो गया है, और यहाँ पर इनका कितना था, यहाँ पर था 1260, ठीक है। तो 260 था 1000 में, और यहाँ पर इनका हो गया है, अभी आपने देखा, मैंने अभी आपको दिखाया 260 था, और यहाँ पर इनका 122, कितना डिफरेंस है देखिए, है कि नहीं। इनकी हमारे के अकॉर्डिंग जो रैंक है वो अपलिफ्ट हुई है, वहां पर 260 था, यहाँ पर 122 पर आ गए, अपलिफ्ट हुई है, नीचे नहीं गई है। क्योंकि इनके बीच से कुछ कैंडिडेट्स जो होंगे उन्होंने जो फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन होगा उसमें वो बाहर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स ये जो हमने लिस्ट बनाई है, ठीक है, ये किसकी है, मैंने आपको बता दी, नॉन जीएफ मेल यूआर की है। मैंने इसको आराम से स्क्रॉल किया है, आप पॉज कर कर इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं, आपकी रैंक अपलिफ्ट हुई है डाउन हुई है, आपको अंदाजा लग जाएगा, ठीक है। आपको अच्छे से पता है कि कितनी वैकेंसीज हैं, मैंने वैकेंसीज की ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है, तो मैं वैकेंसीज की दोबारा वीडियो अपलोड नहीं करूँ, क्योंकि एक ही चीज को बनाने में आपको पता है बहुत मेहनत लगती है। आप प्लीज प्रीवियस वीडियो पर विजिट कर कर देख लो, अगर आपको वैकेंसीज के बारे में अभी नॉलेज नहीं है, फिर आपके पास जो वैकेंसीज है आप अपनी रैंक को देख लें, उसके अंदर आती है नहीं आती, मैंने बता भी दिया है कि कट ऑफ कैसे निकाली जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो कमेंट करें, आपके लिए कमेंट सेशन हमेशा ओपन रहता है। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ सारे कमेंट्स को ही देखकर मैं नई वीडियो लेकर आऊँ, और मैं रिप्लाई करने की भी कोशिश करती हूँ, ओके फ्रेंड्स। तो ये थी नॉन जीएफ यूआर मेल की, आगे हम लेकर आएंगे, अगर आप कमेंट करेंगे तो अदर कैटेगरीज है नॉन जीएफ फीमेल की, इससे यूआर मेल को अंदाजा लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि यूआर मेल की थोड़ा सा टफ होता है इसको बनाना, इसको एनालाइज करना, तो हमने जो बनाकर ऑलरेडी आपके लिए प्रिपेयर कर दिया आपकी सुविधा के लिए। अगर कोई दिक्कत हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करें। थैंक यू।